ये काफी एक बहुत बड़ा आरोप आप आरएसएस के ऊपर लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा हूं। अच्छा, और ये बंदा जो है सीधा नाम ले रहा है अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख का। ओके, सीधा नाम ले रहा है। और उसमें हमारे देश के ही प्रधानमंत्री भी बने आरएसएस के आदमी, उन्होंने कैसे उसको अय्याशी का अड्डा बना दिया था। और आप अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये संगठन का, जी संगठन का क्या चरित्र होगा? ये काफी, मतलब ये पहली बार मैंने ये चीज सुनी है कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में सीधे तौर पर अटल बिहारी जी का हाथ है। और सरदार पटेल ने इस्तीफा देना चाहा और नेहरू ने मना कर दिया। नेहरू ने कहा कि नहीं, आप इस्तीफा नहीं देंगे। अरे यार, हम असल में आरएसएस का राज क्यों चल रहा है? आरएसएस का राज इसलिए चल रहा है कि हम उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी को, हमने उनको दस्तावेज पढ़े ही नहीं है। अच्छा, हमने दस्तावेज पढ़े ही नहीं है। उन्होंने माफी मांग ली, यानी इससे बड़ा बताइए, होम सेक्रेटरी ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया, वो एक बता रहा है किस तरह से गोलवाल कर खुद साजिश में शामिल था। अच्छा, ये मिलिट्री कॉलेज वही है जहां पर सारे आरएसएस के लोगों ने ट्रेनिंग ली थी और ऊपर मुकदमे भी चल रहे हैं। जय भीम आप सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष पेशकश में। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर शमशुल इस्लाम, जो कि रिटायर्ड पर्सन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और उन्होंने काफी विस्तार से काम किया है आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर। उनके जो पुराने ऐसी किताबें हैं जो कि आरएसएस ने विड्रॉ कर ली हैं, उनके ऊपर उनका काफी अच्छी रिसर्च है। उनके पास इवन हार्ड कॉपी अवेलेबल है। आरएसएस आतंकवाद से किस तरीके से कनेक्टेड है और किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में वो संलिप्त रहता है और उसके बाद किस तरीके से वो खुद को पीछे हटा लेता है, जैसे कि वो सामने लोगों को एक प्रोजेक्ट करे कि वो एक राष्ट्रवादी संगठन है, उसके ऊपर प्रोफेसर साहब का काफी अच्छा काम है। स्वागत है शमशुल इस्लाम जी आपका। जय भीम नमो होता है। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद सर। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी किस तरीके से काम करती है भारत में। हालांकि सभी को पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा और विस्तार से समझाएं हमारे लोगों को, दर्शकों को। रजत, बहुत आपका धन्यवाद मैं करता हूं कि आपने इस विषय पर रखी चर्चा। और ये भी मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि बहुजन साहित्य एक चैनल आपका है, तो ये मेरी पहले आपसे मुलाकात और इस चैनल से मुलाकात नहीं हुई, तो पहली बार हो रहा है, तो मैं आई फील ऑनर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, एक चीज आरएसएस के बारे में हम समझ लें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो है, सेवक संघ जो है, ये कोई राष्ट्र विरोधी ही नहीं है। यानी इसने जो बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बना और 15 अगस्त 1947 को जिस पॉलिटी को लेकर देश आजाद हुआ और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान 26 नवंबर को जो संविधान बना था और उसको लेकर जो बना, तो ये उसको मानते नहीं है। तो इनका राष्ट्र विरोध तो बहुत साफ है, लेकिन बहुत लोगों को आमतौर पर इसकी जानकारी नहीं है कि ये इंसान विरोधी संगठन है। और जो भी धार्मिक कट्टरवादी या बगटिट संगठन होता है, जो धार्मिक धर्म को सर्वोपरि मानता है, और धर्म भी ऐसा जो पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद पर निर्भर करता हो, जो मनुस्मृति को कहता हो कि वही सारी दुनिया के हिंदुओं के लिए वही वेदों के बाद का पांचवा वेद है, ये सावरकर जो उनके गुरु हैं, जो उनके राजनीतिक और आइडियोलॉजिकल पिताजी हैं, वो उन्होंने कहा है कि चारों वेदों के बाद जो पूजनीय है वो हमारा मनुस्मृति है। तो वो जिसको मानता हो, तो वो तो इंसानियत के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता, ये बिल्कुल तय बात।
और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी बहुत गलत और बहुत कम समझ वाली समझ है कि आरएसएस जो है वो सिर्फ मुसलमानों ईसाइयों के खिलाफ है, बाकी तो हिंदुओं के लिए वो ठीक ठाक है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, और वो जो जो एक कट्टरवाद के साथ होता है, वो चाहे इस्लामी कट्टरवाद हो, चाहे हिंदू कट्टरवाद हो, या सिख कट्टरवाद हो, या ईसाई कट्टरवाद हो, कि आप किसी भी तरह की बहस, किसी भी तरह का मुबाहसा आप बर्दाश्त नहीं करते, किसी तरह की भी आप चुनौती या सवाल को आप 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 मंजूर नहीं करते हैं। और जब आप ये नहीं करते तो आप कॉन्स्पिरेसीज में जाते हैं, आप षड्यंत्रों का हिस्सा लेते हैं, और अगर आप षड्यंत्रों पर आधारित आपका काम है तो आपको टेररिस्ट होना ही होना है। यानी आरएसएस एक षड्यंत्रों पर आधारित समाज है, एक जिन हिंदुओं की वो बात करती है उन हिंदुओं के 80% को वो हिंदुइज्म से खारिज करती है, क्योंकि वो मनुस्मृति में विश्वास करती है। तो ये एक बहुत छोटा सा गिरोह है, ये टोली है एक राष्ट्र विरोधी लोगों की, एक इंसानियत विरोधी लोगों की। तो इसने षड्यंत्र का सहारा लेना और षड्यंत्र में टेररिज्म आएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि आरएसएस और टेररिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आरएसएस और षड्यंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उसको कहीं दूर जाने की जरूरत है, कोई ऐसा नहीं है। मतलब ये इससे पहले बदकिस्मती से कांग्रेसी रास्ता, और उसके बाद जब से ये मोदी राज आया है उसके बाद उनको कोई कुएं में जाके या समंदर में जाके कोई खोजने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस कैसे षड्यंत्र का सहारा लेती है, आरएसएस कैसे टेररिज्म का सहारा लेती है, वो खुले आम है। लेकिन एनआईए को सब कुछ दिखता है, बहुत कुछ दिखता है, सीबीआई को बहुत कुछ दिखता है, लेकिन उनको ये नहीं दिखता। और बदकिस्मती से कांग्रेस के राज में भी नहीं दिखता था, अगर कांग्रेसियों ने इनका इलाज किया होता और इनके टेररिज्म को समझा होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि मोदी के नेतृत्व में वो पूरा का पूरा बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जो है 26 नवंबर 1946 का, उसको वो तबाह करने के लिए लगे होते। तो और उसका सबसे ताजा उदाहरण है, ये हमारा एक नौजवान साथी है यशवंत शिंदे। यशवंत शिंदे ने 29 अगस्त को, अभी चार दिन पहले एक सेशंस कोर्ट में, नांदेड़ की सेशन कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया है। यानी आप ये समझ लिए, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है, उन्होंने कोई अखबारों को बयान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने एक शपथ पत्र अंडर ओथ उन्होंने दाखिल किया है। और अगर वो सही नहीं होगा या सही नहीं होता तो उनको परजुरी का केस उन पर चलाया जा सकता है, उन पर झूठ बोलने का मुकदमा चला जाता है। लेकिन ये बहादुर आदमी, क्योंकि आरएसएस में ये रहे हैं बहुत सालों से, आरएसएस के लिए उन्हें बम बनाए हैं, आरएसएस के लिए उन्हें बम फोड़े हैं, वो उन्होंने ये शपथ में कहा है, खुलासा नहीं किया है, केवल भंडा फोड़ नहीं किया, कहा है कि मैं इन्हीं चीजों में शामिल था। और ये जो नई शताब्दी शुरू हुई थी 2000 सन में, उसके पूरे के पूरे एक दहाई में, 2000 के दशक में मैं बहुत सारी जगह बम बनाने, बम चलाने में रहा, और मैं इस बात का गवाह हूं कि कैसे बम बनाते हुए कुछ लोग मारे गए, आरएसएस के लोग मारे गए जी। और उन्होंने ये बताया, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे दस्तावेज पढ़ने के, ये तो पढ़ी पब्लिक डोमेन में पूरा है, इसलिए मैं नुक्ते, उसके बुनियादी नुक्ते आपके सामने रख दे रहा हूं। और उनका ये कहना है कि उनको जो बम की ट्रेनिंग देते थे उसमें दो लोग आज भी हैं, मिलिंद परांदे और मिथुन चक्रवर्ती या रवि दा आनंद, ये आज भी हैं। और इनमें से ये लोग जो हैं एक एक बड़े प्रांत का बजरंग दल का चीफ है, और दूसरा उत्तराखंड के विश्व हिंदू परिषद का चीफ है। अच्छा, जी तो जी मिलिंद परांदे जो है नेशनल ऑर्गेनाइजर है विश्व हिंदू परिषद के, नेशनल ऑर्गेनाइजर है।
यानी टेररिज्म की एक्टिविटी और ये सब करने के नेशनल ऑर्गेनाइजर है। अगर अगर हम ये साथी यशवंत की बात अगर सच है तो, और उसके बाद जो दूसरा बंदा जो बम बनाने की ट्रेनिंग देता था वो आनंद, वो जो है उत्तराखंड के विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष है, और उनका ये भी कहना है कि इंद्रेश कुमार जो बेसिकली मुसलमानों और सिखों को आरएसएस से जोड़ने का काम करता है, और इससे पहले भी वो बम वाले केस में जो ट्रेन के अंदर बम फटे थे उसके अंदर उनका नाम आ चुका है, लेकिन उसको जो है कोई फॉलो नहीं किया गया, और उसमें एक ईमानदार विकास नारायण राय ईमानदार आईपीएस अफसर थे हरियाणा के, जिन्होंने उसको करने की कोशिश की थी लेकिन उनकी रिटायरमेंट के साथ वो सब दबा दिया गया। और उसके बाद उन्होंने असल में ये यशवंत जो कह रहे हैं, यशवंत की बहुत सारी चीजें जो एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने महाराष्ट्र की जो बहुत सारी चीजें फाइंडिंग की थी, और जिसमें आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो आईपीएस अफसर थे जिनको जब बॉम्बे पर हमला किया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने तो उनको शहीद किया गया था, और उनको शहादत ही माना जाता है कि उनको हिंदुत्ववादी कैडर ने मारा था मौके का फायदा उठा, और उस पर किताब भी लिखी गई है कि करकरे को, हेमंत करकरे को किसने मारा। हेमंत करकरे पहले आदमी थे टॉप लेवल पर जिन्होंने ये पता किया था कि जो बम फट रहे हैं उसमें आरएसएस की हिस्सेदारी है, सीधा आरएसएस की हिस्सेदारी है, ठीक है, ठीक। और जी, और इस एफिडेविट में यशवंत ये भी कह रहे हैं, यशवंत से सवाल पूछा गया कि आप आखिर अब ये क्यों कर रहे हैं, तो उनको लगा कि मेरे में भी इंसानियत है, मैं भी देख रहा हूं कि देश किस जगह पर जा रहा है, और आप जानते हैं कि पूंजीपति जो आमतौर पर ये आरएसएस बीजेपी की सरकार के साथ रहते हैं, उसमें कल गोदरेज कंपनी का जो मालिक है उसने भी कहा कि सरकार ने जो है ये पूरा जो बांटा जा रहा है समाज को, इसको देखना होगा नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाए, इसको रोकना होगा। तो ये यशवंत सिन्हा भी बेसिकली एक ईमानदार आदमी, यशवंत शिंदे माफ कीजिएगा, यशवंत जो है तो उनको ये है कि मेरे देश की जो हालत हो रही है वो अपने देश को प्यार करते हैं, वो हिंदुत्ववादी पागलपन का और हिंदुत्ववादी तौर पर दिमागी तौर पर बीमार नहीं है, वो जानते हैं कि इंसानियत क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन सब बातों को सामने रखना चाहिए। और वो जो है वो ये भी शिंदे ये भी बचाते हैं कि 1999 में तो वो मुंबई के बजरंग दल के चीफ भी बनाए गए थे, और सबूत में उन्होंने अपने फोटो दिए हैं इंद्रेश कुमार और आरएसएस के एक बड़े आदमी के साथ जो वो कश्मीर के एक मंदिर के अंदर है, उससे उसके अलावा उन्होंने बॉम्बे का भी फोटो दिया है जो आरएसएस के लोगों के वो साथ है। अच्छा, अब देखिए मजे की बात यह है, मान लीजिए इस तरह का कोई शुभा, आप शपथ पत्र तो छोड़ दीजिए, एफिडेविट तो छोड़ दीजिए, इस तरह का कोई खबर आरएसएस बीजेपी की सरकार को किसी मुसलमान के बारे में मिल जाती, किसी ईसाई के बारे में मिल जाती, किसी सिख के बारे में मिल जाती, तो आज वो शहर खोद दिया होता उन्होंने, आज मोहल्ले खोद दिए होते, आज उन्होंने सैकड़ों बुलडोजरों को लगा दिया होता, उन्होंने अगर बड़ा इलाका होता तो उन्होंने बमों से उसको तहस नहस कर दिया होता, लेकिन इस पर खामोशी है। अंग्रेजी अखबार जो आमतौर पर इस तरह की खबरें देते हैं वो भी चुप है, हिंदी अखबार और रीजनल अखबारों में तो एक छोटी छोटी न्यूज एक दिन आई उसके बाद खत्म हो गई। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहना चाहिए था सुओ मोटो तौर पर केस को हमारे पास भेज दीजिए। अच्छा, अब मैं इसको एक तरफ रखकर जरा आरएसएस के दस्तावेजों की तरफ आता हूं। देखिए मैं रजत एक आपको बताना चाहता हूं कि 40 साल मैंने आरएसएस के दस्तावेज सारी दुनिया से जमा किए हैं, ठीक, और उनके वो सारे दस्तावेज भी जमा किए जिनको वो वापिस लेते रहते हैं। बता, इनका हर एक षड्यंत्रकारी संगठन जो होता है वो क्या करता है, जब देखता है कि कहीं फंस रहा है तो उसको वापिस ले लेता है, कि कहीं लगता है कि इसके बंदा पकड़ा गया तो कहता है कि हमारा बंदा नहीं है, ये हमारा बंदा नहीं है, और ये तो हमारे लोग नहीं थे, ये तो किसी और ने कराया, ये तो किसी और ने कराया। मैं आरएसएस के दस्तावेजों को अब आपके सामने रखूंगा, और जिसमें और आपके जो बहुजन साहित्य के साथियों के सामने रखूंगा, और ये सारे दस्तावेज जिसको चाहिए मैं उपलब्ध कराऊंगा, है ना।
आरएसएस ने हवाबाज तो बहुत है ये, यानी बहुत छोड़ते हैं ये, और इनको ये है कि बस आज तक इंडिया जो है मनुस्मृति के राज में के तहत क्यों नहीं आया, ये ब्रह्मवादी जो खाका है जो प्रोजेक्ट है उसके तहत क्यों नहीं आया, तो ये काफी हवाबाजी भी करते हैं और हवाबाजी में फिर ये फंसते भी है। तो ये सबसे पहले मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, ये उनकी एक किताब है 1999 में छापी थी। किताब का नाम बताइए। ये किताब का नाम है परम वैभव के पथ पर, ठीक। और इसके लेखक थे आरएसएस के बहुत सीनियर आइडियोलॉग हैं डॉक्टर सदानंद दामोदर सपरे, ठीक। ये आरएसएस जो कहती है कि हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इस किताब में ये वो दौर था जब हिंदुत्व को बहुत बहुत हिमायत बहुत समर्थन मिल रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी पावर में आने वाले थे, अच्छा आ भी गए थे, और उसमें उनको लगा कि अब तो हिंदुत्व का राज हो गया तो अब हमने अपने सारे तुरुप के सारे पत्ते जो है खोल देने चाहिए। ये इन्होंने किताब छाप दी और किताब में इन्होंने 40 से ज्यादा जो उनके संगठन है और अखबार है उसका ब्यौरा दे दिया। लेकिन जल्दी ही उनको पता लग गया कि इसमें फंस गए, तो ये किताब एकदम वापिस ले ली गई। और मेरी जहां तक रिसर्च है, अगर कुछ लाइब्रेरीज में पहुंचा भी दी गई थी वहां से ये किताब गायब कर दी गई। अच्छा, तो देखिए उसमें से मैं ये भाजपा उन्होंने कैसे बनाया, अपने किसान संगठन कैसे बनाया, उनमें से कुछ के नाम मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ जो इन्होंने खुद बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, भारतीय जनता पार्टी, भीष्म हिंदु परिषद, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, राष्ट्र सेविका समिति, सेवा भारती, विश्व विभाग, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ, भारतीय शिक्षा मंडल, राष्ट्रीय सिख संघ, स्वदेशी जागरण मंच, दीनदयाल शोध संस्थान, भारत विकास परिषद, भारतीय इतिहास संकलन योजना, संस्कृत भारती, संस्कार भारती, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, हिंदू जागरण मंच, सामाजिक समरसता मंच, अखिल भारतीय साहित्य सामाजिक समरसता मंच जिसमें वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ तमाम वो दलितों को कंफ्यूज करते हैं, प्रज्ञा भारती, विज्ञान भारती, विज्ञान भारती वह है जिसके तहत वो पेट माओ के पेट के अंदर जो है उत्तम लड़के पैदा करने का जो उनका प्रोजेक्ट है वो है, लघु उद्योग भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, सहकार भारती, पूर्व सैनिक सेवा परिषद, प्रचार माध्यम, सामायिक महत्व के कार्य जी। इसमें हिंदू जन जागरण मंच आता है प्रश्न नंबर 64 पर। इसी समय में क्या हुआ था, एक बड़े पादरी थे उड़ीसा में, उनके और उनके दो बच्चों को जलाकर मारा गया था पादरी के समय, आपको याद हो? नहीं, हाँ, उनका नाम था अरे भाई उनका नाम आपको याद आ रहा है? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। जीप रात को जीप में सो रहे थे, अच्छा, तो उनको जलाकर मारा गया था। और उसमें ये साफ पता लग गया था कि हिंदू जन जागरण मंच का उसमें हाथ है, और दारा सिंह उसका एक लफंगा, एक गुंडा, एक हथियारा था जिसने उस काम को हिस्सा लिया था। तो आरएसएस ने एकदम कह दिया कि हमारा तो उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन दामोदर सपरे साहब उससे पहले यह दे चुके थे कि हिंदू जागरण मंच हमारा संगठन, ठीक। और हिंदू जागरण मंच जैसे वो किस तरह से संगठन बनाते हैं, जरा इसके अंदर जो ब्यौरा है जरा सुन लीजिए रजत भाई गौर से। जी जी, वो हिंदू जागरण मंच क्यों बनाए जाते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, साथ ही स्थानीय स्तर पर अन्य अन्य संगठनों का और अन्य विचारधारा वाले लोगों का सहयोग सहजता से ले पाने की दृष्टि से स्थानीय और प्रांतीय प्रयासों को संगठन या संस्था का रूप न देते हुए मंच का रूप देना अधिक उपयुक्त होता है। और गौर से सुनिए, हिंदू जागरण की दृष्टि से ऐसे मंच इस समय 17 प्रदेशों में विभिन्न विभिन्न नामों से कार्यरत हैं, जैसे दिल्ली में हिंदू मंच, तमिलनाडु में हिंदू मुनानी, महाराष्ट्र में हिंदू एकजुट। ये मंच है संस्था या संभव नहीं, इसलिए इनमें सदस्यता, पंजीकरण, चुनाव इत्यादि आवश्यक नहीं है। फिर पढ़कर सुना रहा हूं मैं आपको जी दोबारा। ये मंच हम बनाते हैं
ये मंच है संस्था या संगठन नहीं, इसलिए इनमें सदस्य पंजीकरण चुनाव इत्यादि आवश्यक नहीं है। यानी वो किसी एक खास टेरर काम करने के लिए, खास एक राष्ट्र विरोधी काम करने के लिए, एक राष्ट्र इंसानियत के विरोध में काम करने के लिए एक संगठन बनाएंगे, उसका कोई पंजीकरण नहीं होगा, उसकी कोई सदस्यता नहीं होगी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। सर यहाँ पर आरएसएस का भी मेरे ख्याल से कोई पंजीकरण नहीं है और ना ही कोई बिल्कुल नहीं है ना, और ना ही उसमें सदस्यता लेने के लिए कोई भी आपको फॉर्म भरना पड़ता है या आपको कोई वहां से स्लिप दी जाती है, आई कार्ड दिया जाता, कुछ भी नहीं दिया जाता। नहीं वो तो अभी इसी में फंसेंगे वो, इसी अच्छा। में देखिए अभी अब आएंगे उस पर हम आएंगे। उसके बाद ये आखिरी जो इसके पन्ने हैं, ये टोटल है, ये टोटल है 88 पेज की किताब है जी। 86 नंबर पेज पर मैं फिर कोट कर रहा हूं इस किताब से, दिल्ली की मुस्लिम लीग का विश्वास स्पंदन करके उनके षड्यंत्रों को पता लगाने के लिए स्वयं सेवकों ने मुसलमान मजहब स्वीकार करने का ढोंग रचा था। यदि ये युवक पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल के षड्यंत्र को सूचना न देते तो शायद भारत सरकार का अस्तित्व नहीं रहता। यानी देखिए अपने षड्यंत्रकारी काम के लिए क्या सहारा ले रहे हैं कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल को उन्होंने सूचना दी। हालांकि सच ये है इस जमाने में गोलवालकर भाषण कर रहा है कि हम गांधी को जान से मार देंगे, अच्छा। हम नेहरू को कांग्रेस के लीडर को छोड़, ये तो करोल बाग के अंदर जो उसका भाषण है, पुलिस के अफसर ने उसको वर्बटम पेश किया है, उसको वर्बटम पेश किया है और प्रोफेसर रामचंद्र गोहा ने उसके पूरे के पूरे उसको रिप्रोड्यूस किया है उस बयान को। उस बयान पर इस देश में आजाद भारत में चर्चा ही नहीं हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि गोलवलकर करोल बाग में भाषण दे रहे हैं कि वो गांधी को मार देंगे, वो हिंदू कांग्रेस के सारे लीडर को जो भी रास्ते में आएगा उसको मार देंगे, और यही अच्छा। भाषण उन्होंने मथुरा में दिया पहले। अच्छा। और ये भाषण जो है जिस पुलिस अफसर ने इसको रिपोर्ट किया उसको प्रोफेसर रामचंद्र गोहा ने उसको रिप्रोड्यूस भी किया है। और मेरी जो ई बुक है आरएसएस टेरर आउटफिट परमिट्स ओन आर्काइव, वो जो है वो उसमें आप ये सारे सारे दस्तावेज देखेंगे। अच्छा अब आप देखिए ये लोग मुसलमानी मजहब इस्तेमाल करके क्या कर रहे थे, इसका भंडाफोड़ भी एक दिन राजेंद्र प्रसाद जी ने कर दिया। राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति नहीं बने थे, हालांकि राजेंद्र प्रसाद काफी हिंदुत्व के करीब थे और उन्होंने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में बहुत चीजें बैग के दरवाजे से ब्राह्मणवादी घुसा दी है ना, और उस पूरे संविधान का जो इगेलिटेरियन जो स्वरूप था उसको पूरा खत्म करने की कोशिश की, नेगेट करने की कोशिश की। ये चिट्ठी लिख रहे हैं सरदार पटेल को, चिट्ठी लिख रहे हैं 14 मार्च 1948 को। अच्छा कौन लिख रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अभी राष्ट्रपति नहीं बने हैं, ठीक, राष्ट्रपति 52 में आकर बनेंगे, लेकिन कांग्रेस के महानतम लीडर्स में से हैं, स्वतंत्रता संग्राम के महानतम लीडर में से हैं। 14 मार्च 1948 को सरदार पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री बन चुके हैं उनको लिख रहे हैं, मुझे पता लगा है, मैंने अंग्रेजी से हिंदी किया है, मुझे पता लगा है कि आरएसएस के लोग दंगे सांप्रदायिक कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक अच्छी खासी संख्या में पुरुषों को मुसलमानी पोशाक पहनाई है जो मुसलमानों की तरह दिखते हैं, ये हिंदुओं पर हमला करेंगे जिससे झगड़ा होगा और हिंदू भड़क जाएंगे, इसी तरह से इनके बीच के कुछ हिंदू मुसलमानों पर हमले करेंगे और उनको भड़काएंगे, हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े कराने का उद्देश्य बड़ी आग लगाना है। बताइए ये कोई अंबेडकर पंथी नहीं कह रहा है, ये कोई कम्युनिस्ट नहीं कह रहा है, ये कोई आरएसएस विरोधी नहीं कह रहा है, ये कोई कांग्रेस ही नहीं कह रहा है, ये राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं जो हिंदुत्व के काफी करीब गए, या फिर मैं तो उनको ब्राह्मणवाद का संरक्षक भी मानता हूं जो कि सरकार में बैठे थे। और ये देखिए ये किस तरह से परम वैभव के पथ को सही साबित कर रहे हैं कि आरएसएस जो कह रही है ये उसी का खुलासा कर रहे हैं, ठीक है, उसी का खुलासा। और आजादी से पहले तो आरएसएस के कई लोगों ने माफ करें आरएसएस के कई लोगों ने जो किताबें लिखी हैं, आई वाज अ स्वयं सेवक,
ये धुरिया, रामलाल धुरिया जी की किताब है और वो पाकिस्तान के जो पंजाब में है उसमें किस तरह से मंटगोमरी ने आरएसएस के लोगों ने तय करके वहां के एक बहुत सेकुलर मुसलमान जो बड़े दुकानदार थे, किताबें बेचते थे, उनके बच्चे का मर्डर कराया था जिसकी वजह से वहां दंगे हो ताके। ये अच्छा। ये धुरिया साहब लिख रहे हैं, ये धुरिया साहब की किताब है ये। हाँ। वो लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आरएसएस पर आने से पहले आरएसएस के बहुत बड़े व्यक्ति की बात करता हूं। ये हर आदमी के पास ये किताब होनी चाहिए, बल्लाज मदोक की जीवनी का तीसरा भाग। दोबारा बताइए सर। बल्लाज मदोक की जीवनी का तीसरा भाग, ठीक, इसका नाम ये भी आपको चाहिए, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। दीनदयाल उपाध्याय की हत्या से इंदिरा गांधी की हत्या तक, अच्छा, जिंदगी का सफर तीसरा भाग है। बदकिस्मती से इसको हमने देश को बताया ही नहीं। ये पूरी किताब है कि किस तरह से दीनदयाल उपाध्याय का कत्ल आरएसएस के लोगों ने कराया। और ये काफी एक बहुत बड़ा आरोप आप आरएसएस के ऊपर लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा हूं। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय, देखिए आप एक बात समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं, मैं सारी चीजें आरएसएस की बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब दीनदयाल की हत्या के संबंध में प्रमाणिक और आंखों देखी जानकारी मेरे पास होने और जनसंघ के वरिष्ठ नेता के रूप में मेरी जनसाधारण में छवि और विश्वसनीयता के कारण दीनदयाल उपाध्याय को रास्ते से हटाने के बाद, हाँ सॉरी, एक बात स्पष्ट है, इससे पहला पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ जी। एक बात स्पष्ट है, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के पीछे न कम्युनिस्टों का हाथ था न किसी चोर का। अगर यह चोरी का मामला होता तो चोर कम से कम उनकी जेब में पैसे और घड़ी तो अवश्य ले जाता। दीनदयाल उपाध्याय को झगड़ालू कहना चांद पर थूकना है। उनकी हत्या किसी किराए के हत्यारे से करवाई गई, परंतु हत्या करवाने वाले षड्यंत्रकारी संघ जनसंघ के वह महत्वाकांक्षी और अपराधी वृत्ति के लोग थे, उन्होंने ही श्री दीनदयाल हत्या से सीधा लाभ हुआ। और ये बंदा जो है सीधा नाम ले रहा है अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख का। ओके, सीधा नाम ले रहा है। ये इस किताब का मैं चाहूंगा कि आप इस किताब का जो ये जो भाग है इसका मुझे पिक्चर आप मुझे भेजिएगा तो मैं इसे स्क्रीन पर नहीं, आप ये असल में अगर आपके पास, अगर आप इस देश को बचाने की, इंसानियत को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये किताब आप मंगवाइए, ये आपके पास होनी चाहिए। और इस किताब के अंदर ये तक जिक्र है कि जनसंघ का दफ्तर, उस वक्त जनसंघ होता था राजेंद्र प्रसाद रोड पर, वो कैसे अय्याशी का अड्डा था, और उसमें हमारे देश के ही प्रधानमंत्री भी बने आरएसएस के आदमी, उन्होंने कैसे उसको अय्याशी का अड्डा बना दिया था। और आप अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वो हाँ। ये तो दिन अपना ये सीधा बोल रहे हैं, ठीक है, अपने जी, अरे भाई ये बल्लाज मदोक सीधा बोल रहे हैं, ठीक है। बल्लाज मदोक कह रहे हैं जब ये वाकया जो हो रहा है, जब मैंने गोलवलकर के सामने रखी, मैं कोट कर रहा हूँ इस किताब के 62वें पेज से, ठीक है जी। सन 1970 के शुरू में एक दिन प्रातः श्री चमनलाल ने दूरभाष से मुझे संपर्क किया और कहा कि श्री गोलवालकर जी उन्हें संघ के कार्यकर्ता गुरुजी कहकर संबोधित करते थे, ने मुझे याद किया है और मुझे उन्होंने मिलने का निश्चित समय भी बताया। मैं ठीक समय पर लाला हंसराज गुप्ता के निवास पर पहुंच गया, ये दिल्ली में रहते थे। श्री गुरुजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने मुझसे जनसंघ के अंतर किले और अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख के साथ मनमुटाव का कारण पूछा। मैंने उन्हें दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के संबंध में अपनी जानकारी और वाजपेयी तथा देशमुख द्वारा सत्य को दबाने और मुझे जनसंघ से निकालने के प्रयास तथा उनके चरित्र और चिंतन पर विस्तार से प्रकाश डाला। मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों से वह सर्वथा अनभिज्ञ थे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अपने ढंग से जांच पड़ताल करें और जनसंघ की निर्मल छवि और वैचारिक आधार को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करें।
वो अभी जारी है वो। मेरी बातें सुनकर कुछ समय के लिए मौन रहने के बाद मैं बोले, अब ये कोट कर रहे हैं गोलवलकर को, अच्छा। मुझे भी इन लोगों की चारित्रिक कमजोरियों की जानकारी है, परंतु मुझे संगठन चलाना है, सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए शिव की तरह रोज जहर पीता हूं। और फिर मुझे सलाह दी कि जंग संघ के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी सोचिए, जिन लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कराई, जिन्होंने पूरा अय्याशी का अड्डा बना दिया जंग संघ के दफ्तर को, उसके बारे में गोलवलकर कह रहे हैं कि तुम तो एक की बात कर रहे हो, मैं तो ऐसे पता नहीं कितनों का जहर पीता हूं शिव की तरह। मतलब तो ये संगठन का जी, इस संगठन का क्या चरित्र होगा? ये काफी, मतलब ये पहली बार मैंने ये चीज सुनी है कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में सीधे तौर पर अटल बिहारी जी का हाथ है। इससे पहले हमें एक कहीं पर भी नहीं बताई गई। प्रहलाद मधु कह रहे हैं ये हाँ। सारी किताबें दबा दी गई, ये सारी किताबें जो पब्लिशर छाप रहा था उसको बंद करा दी गई। लेकिन मैंने एक दूसरे पब्लिशर ने फिर ये करके कि आप छापिए, और सारी दुनिया में अब ये बेची जाती है, सारी दुनिया में जाती है किताब, और अच्छा। आपके पास ये किताब होनी चाहिए, बल्कि अपने जो समझदार साथी हैं सबके पास ये किताब होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सर, मैं इस किताब का जो पूरा सेट है उसको मैं मंगवा लूंगा। जी हाँ, नहीं वो एक दो की जरूरत नहीं है, ये तीसरी बहुत अच्छा। जरूरी है। और एमरजेंसी में कैसे आरएसएस के सरसंचालक ने गद्दारी की वो भी ये बता रहे हैं। अच्छा, अगला जो था वो बाला साहब था, उसने कैसे गद्दारी की। ये आप ये वो पैरा पढ़ के बता सकते हैं कि इसमें से जो अगर आप जरूरी समझे वो नहीं, असल में वो मेरा एक लेख है अकेडेमिया पर हिंदी अंग्रेजी दोनों में कि आरएसएस ने किस तरह से इंदिरा गांधी की दलाली की थी इमरजेंसी में, सारे दस्तावेज मैंने ये पेज उसमें है वहां पर, मैं आपको अच्छा, दे दूंगा। ठीक है, ठीक। और ये किताब आपके पास रहनी चाहिए जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मंगवाऊंगा। मैं पहले वो बताना चाहता हूँ जो मैं वो मशहूर मिशनरी जो थे जिनको जलाकर मारा था, उनका नाम था ग्रहम स्टेन्स जी। उनको 23 जनवरी 1999 को उनकी जीप में उनके दो बच्चों के साथ, फिलिप्स जिनकी 10 साल की उम्र थी और तिमोथी जिनकी 6 साल की उम्र थी, उनको अच्छा। जलाकर मारा था। और ये उससे पहले ये किताब आ चुकी थी, अगर अच्छा। बाद में होता तो शायद ये किताब नहीं आती, क्योंकि ये 1997-98 में आ गई ये किताब, तो इसमें उनका वो पहले उसके बारे में लिख चुके थे। अब हम षड्यंत्र कैसे आरएसएस ने षड्यंत्र कर गांधी जी की हत्या कराई उसके बारे में हम कहीं और नहीं जाएंगे। हम सरदार पटेल जिनको आरएसएस वाले बहुत प्यार करते हैं, और ये है कि वो असली कांग्रेसी लीडर थे, है ना। और मजे की बात यह है कि सरदार पटेल बनाम नेहरू वो रखते हैं, लेकिन मजे की बात यह है, मतलब इतना इतना बेवकूफ और इतना कम पढ़ा लिखा ये आरएसएस का रूलिंग एलीट है कि भारत के इतिहास में कभी इतना बेवकूफ रूलरों का गैंग नहीं हुआ होगा। यानी आप बताइए कि दे पुट सरदार पटेल अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू वो बंदा है जिसने सरदार पटेल के मंत्रालय की जिम्मेदारी थी गांधी जी की हत्या। भाई गांधी जी की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? होम मिनिस्ट्री या होम मिनिस्टर? एग्जैक्टली हाँ। और सरदार पटेल ने इस्तीफा देना चाहा और नेहरू ने मना कर दिया। नेहरू ने कहा कि नहीं, आप इस्तीफा नहीं देंगे। अगर नेहरू सरदार पटेल से बदला लेना चाहते तो एक गैंग को लगाते और उनका घर जलवा देते, उनको कुछ भी करवा सकते थे उनके साथ। और दूसरी बात ये है, आरएसएस वाले ये भी नहीं जानते हैं कि सरदार पटेल को अगर नेहरू कभी मिलना चाहते थे तो कभी अपने घर नहीं बुलाते थे, वो सरदार पटेल को मिलने उनके घर पर जाते थे। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि नेहरू जी सरदार पटेल से बात करना चाहते हो और सरदार पटेल को उन्होंने कहा कि आप मेरे घर आइए। ऑफिशियल मीटिंग अलग बात है, कैबिनेट की मीटिंग अलग बात है। और दूसरी बात यह है कि आरएसएस वालों को औरंगजेब का नाम बदलते घूमते हैं, पर
होम मिनिस्टर रहते हुए और मरते दम तक वो जिस सड़क पर रहे उसका नाम औरंगजेब रोड था, और सरदार पटेल ने उसको नहीं बदलवाया था। नहीं मतलब हाँ, यानी बेवकूफी की बातें कि आप इस देश के आप मुसलमान ईसाइयों को छोड़ो, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस आप ये सब काम करेंगे ताकि आपस में झगड़ा चलता रहे। तो मैं आ जा रहा हूँ गांधी जी की हत्या पर। ये गांधी जी की हत्या पर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई, और मैं अपने बहुजन साथियों को, अपने दलित साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि गांधी की हत्या में जो सबसे बड़ा रोल था, गांधी कास्टिज्म में विश्वास करते थे, गांधी चतुर्वर्ण में विश्वास करते थे, लेकिन गांधी ब्राह्मणवाद की जो गुंडागर्दी थी जिसके तहत सबको होता था कि आप पानी नहीं पीने देंगे, मंदिर में नहीं जाने देंगे, उसके खिलाफ थे। और गांधी जी को मारने का ये पहला अटेम्प्ट नहीं था, उससे पहले 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो मंदिर एंट्री की बात करते थे, वो कुआं खोलने की बात करते थे, है ना। तो गांधी जी की हत्या के पीछे जो एक बुनियादी सवाल था वो ये था कि वो आरएसएस का ब्राह्मणवाद की जो परिभाषा थी उसको वो चुनौती। मैं यहाँ पर सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि यहाँ पर कुछ लोग ये कंपेयर करेंगे कि जो सावरकर जो थे वो भी तो मंदिर प्रवेश पर बिलीव करते थे या वो चाहते थे कि आप मंदिर प्रवेश कीजिए, लेकिन उन दोनों में अंतर है। गांधी उसी मंदिर में प्रवेश कराना चाहते थे और सावरकर नया मंदिर खोलकर उसमें प्रवेश करवाना चाहते थे, इस चीज को ध्यान रखिए। भाई रजत भाई, रजत भाई सुन लीजिए, मेरी सावरकर वाली किताब पढ़ लीजिए उनके दस्तावेजों से। अच्छा, उसने एक दौर में कराया, फिर बाद में सनातन धर्म को ये अंडरटेकिंग दिया कि ये मेरी गलती थी, मैं इसको कभी नहीं करूंगा। ये चीज नहीं पता थी मुझे। अरे यार, हम असल में आरएसएस का राज क्यों चल रहा है? आरएसएस का राज इसलिए चल रहा है कि हम उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी को, हमने उनको दस्तावेज पढ़े ही नहीं है। अच्छा, हमने दस्तावेज पढ़े ही नहीं है। उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने कहा कि आप जहां तक प्रवेश करेंगे वहां तक हम करेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। आप एक दिन सावरकर पर रखिए ना, सावरकर और हिंदुत्व पर रखिए। आप पहले हमारी किताब देख लीजिए। हाँ। और ये मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि मैं आरएसएस या सावरकर या इस्लामिस्ट भी जो है उनके ओरिजिनल दस्तावेजों पर काम करता हूं। अच्छा, मैं जिन्हा के बारे में अगर लिख रहा हूं तो जिन्हा ने जो जो किया, जो जो कहा, जो जो उनका दस्तावेज है उसको पेश करके पढ़ने वाले पर छोड़ता हूँ, रिसर्चर पर छोड़ता हूँ कि वो तय कर ले, है ना। तो ये 30 जनवरी 1948 को आरएसएस हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोगों ने हत्या कर दी, और हत्या करने का जो औचित्य दिया वो तो आप आरएसएस का जुड़ा हुआ एक बड़ा डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, उसका नाम है आंध्रा का सीतारामैया। ओके, सीतारामैया ने तो किताब लिखी है कि 30 जनवरी 1948 को जब जब धर्म संकट में होता है तो श्री कृष्ण जी अवतार लेकर आते हैं। तो ये जो गांधी जी का हत्यारा था गॉडसे, वो श्री कृष्ण का रूप धारण करके आया और गांधी की हत्या की। ये एक्सप्लेनेशन है आरएसएस के उस बंदे का। पट्टाभी सीतारामैया की बात कर रहे हैं क्या आप? जी, पट्टाभी सीतारामैया नहीं, ये तो एक एमएलके बहुत बड़े लीडर थे सीतारामैया। एक सीतारामैया ये कांग्रेस के थे, ये केवी सीतारामैया है। ओके, केवी सीतारामैया हयात है, केवी सीतारामैया जी। ठीक, इसका सुन लीजिए। 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल के मंत्रिमंडल ने जो कम्युनिके निकाला इसको बैन करते हुए, जरा सुन लीजिए। अब आरएसएस वाले ये कहें कि नेहरू ने सरदार पटेल का हाथ मरोड़ के लिखवा दिया, तो पता नहीं अब ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन ये सुन ले जरा सा। भारत सरकार ने 2 फरवरी को अपने घोषणा में कहा है कि उसने उन सभी विद्वेषकारी तथा हिंसक शक्तियों को जड़ मूल से नष्ट कर देने का निश्चय किया है जो राष्ट्र की स्वतंत्रता को खतरे में डालकर उसके उज्जवल नाम पर कलंक लगा रहे हैं। इस नीति के अनुसार चीफ कमिश्नरों के अधीन सब प्रदेशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अवैध घोषित करने का निश्चय भारत सरकार ने कर लिया है। गवर्नरों के अधीन राज्यों में भी इसी ढंग से योजना जारी की जा रही है।
और ये विज्ञप्ति में आगे कहा गया, संघ के स्वयं सेवक अनुचित कार्य भी करते रहे हैं, देश के विभिन्न भागों में उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से आगजनी, लूटमार, डाके, हत्याएं तथा लुक छुप कर शस्त्र, गोला और बारूद संग्रह करने जैसे हिंसक कार्यवाहियां कर रहे हैं। ये भी देखा गया है कि ये लोग पर्चे भी बांटते हैं जिनसे जनता को आतंकवादी मार्गों का अवलंबन करने, बंदूक एकत्र करने तथा सरकार के बारे में असंतोष फैलाकर सेना और पुलिस पर उपद्रव करने की प्रेरणा दी जाती है। कौन कह रहा है जनाब? ये सरदार पटेल का मंत्रालय। और उसके बाद सरदार पटेल एक चिट्ठी लिख रहे हैं गोलवलकर को 11 नवंबर 1948 को, जरा वो भी रजत भाई सुन ले। हिंदुओं का संगठन करना, उनकी सहायता करना एक प्रश्न है, पर उनकी मुसीबतों का बदला निहत्ते व लाचार औरतों, बच्चों, आदमियों से लेना दूसरा प्रश्न है। उनके अतिरिक्त ये भी कि उन्होंने कांग्रेस का विरोध करके और इस कठोरता से कि न व्यक्तित्व का ख्याल, न सभ्यता व अविष्टता का शिष्टता का ध्यान रखा, जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा करती थी। उनकी सारी तकरीरें सांप्रदायिक विष से भरी थी। हिंदुओं में जोश पैदा करना व उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए यह अनावश्यक था कि वह जहर फैले। इस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी और सरकार व जनता की सहानुभूति जरा भी आरएसएस के साथ ना रही बल्कि उनके खिलाफ हो गई। उनकी मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया था और मिठाई बांटी, उससे यह विरोध और भी बढ़ गया और सरकार को इस हालत में आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी था। तो जब वो बिल्किस के परिवार पर हमला करते हैं, उसका पेट चाक कर देते हैं, हमला बच्चों का पेट चाक कर देते हैं और उन बलात्कारी हथियारों को छोड़ते हैं, तो ये पहली बार नहीं कर रहे होते हैं। वो गांधी के मरने पर भी मिठाई बांट रहे होते हैं। उसे गांधी वध कहा गया। हाँ, गांधी वध कहा गया जी। उसके बाद ये चिट्ठी लिख रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, वो हिंदू महासभा के बड़े लीडर थे। हाँ। और ये चिट्ठी है 18 जुलाई 1948 की। जहां तक आरएसएस और हिंदू महासभा की बात है, गांधी जी की हत्या का मामला अदालत में है और मुझे इसमें इन दोनों संगठनों की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें मिली रिपोर्टें इस बात की पुष्टि करती हैं कि उन दोनों संस्थाओं का, खासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप देश में ऐसा माहौल बना कि ऐसे बर्बर कांड संभव हो सके। मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का अतिवादी भाग साजिश में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य व्यवस्था के अस्तित्व के लिए खतरा थी। हमें मिली रिपोर्टें बताती हैं कि प्रतिबंध के बावजूद वो गतिविधियां समाप्त नहीं हुई हैं। दरअसल समय बीतने के साथ आरएसएस की टोली अधिक उग्र हो रही है और विनाशकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अब बताइए, सरदार पटेल ये कह रहे हैं और सरदार पटेल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं नेहरू को। नेहरू सरदार पटेल को बराबर लिख रहे हैं कि असली मुजरिम नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो सरदार पटेल 27 फरवरी 1948 को खत लिखते हैं नेहरू को। नेहरू काफी नाराजगी दिखा रहे हैं। तो आप देखिए, वो जो लिख रहे हैं उससे आरएसएस का चरित्र किस तरह से सरदार पटेल लेखांकित करते हैं। अंग्रेजी में चिट्ठी है, मैं हिंदी अंग्रेजी में ही सुना रहा हूँ। इन केस ऑफ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक दी आरएसएस विच हैज नो रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स एटसेट्रा, सिक्योरिंग ऑफ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वेदर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज एक्टिव वर्कर और नॉट इज रेंडर्ड वेरी डिफिकल्ट टास्क। फरवरी 27, 1948 का ये खत जो कि सरदार पटेल ने नेहरू जी को लिखा। अच्छा, उसके बाद एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं। 11 जनवरी 2011 के इंडियन एक्सप्रेस में मोहन भगवत साहब का एक बयान है। अंग्रेजी में सुना रहा हूं मैं आपको। ठीक, वो जो पहले मैंने अंग्रेजी में सुनाया उसका मतलब साथी लोग समझ गए होंगे ना, या हिंदी बताऊं? लेकिन अगर आप बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आरएसएस जैसे गुप्त रूप से काम करने वाले संगठन में जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका रजिस्टर नहीं है, उसके बारे में वास्तविक सूचना हासिल करना कि क्या एक खास इंडिविजुअल उसका मेंबर है या नहीं, इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल काम है। और कह रहा है रेंडर्ड
वेरी डिफिकल्ट टास्क, यानी असंभव है वो, कह रहे हैं एक तरह। क्या क्या यही एक कारण है सर कि जिसकी वजह से जब भी आरएसएस किसी भी आतंकवादी गतिविधि में इंक्लूड रहता है या उसका उसके संगठन का कोई व्यक्ति इंक्लूड रहता है तो वो पीछे हट जाती है, वो हाथ पीछे खड़े कर देती है, ये तो हमारा संगठन का कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन इसी में, लेकिन सरकारों में जो आरएसएस के आदमी है वो इसी पर नहीं घेरते हैं ना उसको। मैं आ रहा हूं उस पर, आ रहा हूं अपनी बात वहीं पर खत्म करूं। ये 10 जनवरी का भाषण है उनको 2011 का सूरत में, गुजरात में, हाँ जी, और इसको रिप्रोड्यूस किया 11 जनवरी 2011 के इंडियन एक्सप्रेस ने। ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल हुम द गवर्नमेंट हैज एक्यूज्ड इन वेरियस ब्लास्ट केसेस, अ फ्यू हैड लेफ्ट वॉलंटरीली एंड फ्यू वर टोल्ड बाय द संघ दैट दिस एक्सट्रीमिज्म विल नॉट वर्क हियर सो यू गो अवे। उन्होंने बयान दिया, इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया है कि उनमें से ज्यादातर लोग जिन जो सरकार ने मुजरिम बनाए हैं बम फोड़ने के केस में, उनमें से कुछ लोग वॉलंटरीली आरएसएस छोड़कर चले गए थे और जो बचे थे उनको हमने कहा कि तुम यहां से जाओ। यानी ये बंदा खुद मान रहा है कि वो बंदे यहां थे। अब मैंने इस पर एक ओपन लेटर लिखा था इसको मोहन भगवत को और होम मिनिस्टर को भी, उस वक्त कांग्रेस का होम मिनिस्टर, सॉरी इसका बीजेपी का होम मिनिस्टर था एलके अडवाणी। मैंने उनसे दो सवाल पूछे थे, मैंने सवाल पूछा था सबसे पहले तो आप इसको गिरफ्तार करिए मोहन भगवत से और इससे वो सारा ब्यौरा लीजिए, वो सारा ब्यौरा लीजिए, ठीक है, वो सारा ब्यौरा लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को आपको पता लगता है कि किसी से 100 रुपए भी रिश्वत दिया आप उसको उतार कर उसके घर की गिरफ्तार कर लेते हैं। आपने आपने जो है बहुत सारे पत्रकार पकड़े हुए, जैसे वो केरल का पत्रकार यूपी में पकड़ा हुआ, उसके भाइयों को, उसको सारे परिवार को उठाकर आप ले गए हैं, आपने अभी तक जमानत नहीं हुई, परेशान की जमानत नहीं हुई है ना, सबको आप गिरफ्तार कर ले, आप मोहल्ला उठाकर ले जाते हैं, आप बुलडोजर चला देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इनको अंडर ओथ इनसे बयान लेना चाहिए, नाम बताइए वो कौन कौन थे, ठीक है जी। नंबर दो बात, आरएसएस के पास, अब ये टेररिस्ट आरएसएस में नहीं है तो क्या आरएसएस के पास कोई ऐसी ऑथेंटिकेटेड लिस्ट है? ऑथेंटिकेटेड लिस्ट है कि जिसको वो बता के ये बताए कि ये बंदा हमारे उसमें नहीं है। जैसे मैं ये सवाल 40 साल से कर रहा हूं, 40 साल से ये सवाल कर रहा हूं कि गॉडसे आरएसएस का मेंबर नहीं था, ये कैसे तय होगा भाई? आपकी कोई एक मेंबरशिप और लिस्ट हो, भारत के राष्ट्रपति ने पास की हो, आपके आपके जो डिस्ट्रिक्ट में संगठन है उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पास की हो, आप सोसाइटी के तहत रजिस्टर हैं या नहीं है, तो जहां भी आप रजिस्टर हैं वहां पर आप अपनी सदस्यता की मेंबरशिप देनी पड़ती है ना। ट्रेड यूनियन सोसाइटी के तहत रजिस्टर होती हैं, उनकी सारी मेंबरशिप आपने देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आपकी लिस्ट रहे और आपकी लिस्ट में ये रहे कि भाई गॉडसे हमारा मेंबर नहीं था, जब तक वो लिस्ट नहीं है आप कैसे कह सकते हो कि ये दारा सिंह हमारा मेंबर नहीं है? जाहिर सी बात है, आप कैसे कह सकते हो कि हमारा मेंबर नहीं है? और यही बात जिन पर आरएसएस वाले जब मुकदमा चलाते हैं किसी पर, गांधी जी की हत्या में जब ये कहा जाता है आरएसएस को लेके, जैसे राहुल गांधी पर चलाया, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं कि आप पूछिए कि आरएसएस की लिस्ट दीजिए हमको, आरएसएस की लिस्ट लाइए पहले ऑथेंटिकेटेड भाई, एकदम वाजिब सवाल है, नहीं वाजिब। अच्छा, ये सवाल आज तक देश में उठता नहीं है। मैं इस पर भी मैं आगे प्रश्न पूछने वाला था आपसे, आप पहले अपनी बात पूरी कर। हाँ जी, हाँ, अच्छा, तो ये बात जो है, उसके बाद आप ये देखिए एक और चीज जिसको हम बदकिस्मती से भूल जा रहे हैं, वो है जो पूरा आर्म्स ट्रेनिंग, आर्म्स ट्रेनिंग की जो शुरुआत अंग्रेजों के साथ मिलकर आरएसएस और हिंदू महासभा ने नासिक में मिलिट्री कॉलेज खोलकर की थी। अच्छा। लेकिन मैं इससे पहले एक बहुत बड़े षड्यंत्र की, जिसका यूपी के प्रथम होम सेक्रेटरी ने अपनी जीवनी में लिखा है, और ये जीवनी राजेश्वर दयाल जी की है, आईसीएस थे उस वक्त, में आईएएस नहीं होता था, आईसीएस थे,
ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान? ब्रिटिश नहीं, आजाद हो चुके थे आईसीएस। अच्छा। ये तो बाद में आता है ना, ये बाद में आते हैं। अच्छा, अब मैं असल में इसका हिंदी अभी फौरन एक मिनट नहीं, मैं अंग्रेजी में आपको सुना रहा हूँ, मतलब समझा दूंगा। ठीक है। ये क्या होता है कि एक दिन ये रात को गोविंद वल्लभ पंत, जो वैसे आरएसएस के आदमी थे और जो पूरे यूपी के चीफ मिनिस्टर बना दिए गए थे, और ये वो बंदा है जिनकी देखरेख में रामलल्ला भी प्रकट हो गए वहां। एक दिन 22-23 मार्च की रात को 48 में रामलल्ला भी प्रकट हो गए, है ना जी, वो आ गए। उन्होंने अपनी जीवनी में एक घटना लिखा है कि मैं एक दिन रात को, एक बहुत बड़े अफसर थे वेस्टर्न यूपी के, इंचार्ज थे जेटली साहब, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हु ब्रॉट विद हिम टू स्टील ट्रक। एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो वेस्टर्न यूपी के इंचार्ज थे, वो मेरे घर पर आए, दो ट्रंक नक्शों से भरे हुए, हथियारों से भरे हुए, और हर मुसलमान के घर को चिन्हित करते हुए, हर मुसलमान गांव को चिन्हित करते हुए, और कहा कि ये बड़ा हमला होने वाला था मुसलमान गांव पे वेस्टर्न यूपी में, मेरठ बागपत और सारे इसमें, और ये गोलवालकर की देखरेख में हुआ है, और गोलवालकर वहां से गायब हो गया दफ्तर से आरएसएस के, हम इसको लेकर आए हैं, और ये इतना खतरनाक काम है कि मैं इसको लेकर आपके पास आया हूं। और वो जो जिस अफसर का बड़ा बड़ा नाम था, जेटली उनका नाम था, और वो रात को उन्होंने उठाया इसको पंत को, तो पंत ने उसी वक्त कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक, क्योंकि वो तो आरएसएस का ही व्यक्ति है। हाँ, कहा कि इसको कल हम कैबिनेट मीटिंग में रखेंगे। ठीक, कैबिनेट मीटिंग में रख दिया। कैबिनेट मीटिंग में 5-6-7-8 घंटे बात हुई। कैबिनेट मीटिंग में बहुत आरएसएस के आदमी थे, राजेश्वर दयाल कह रहे हैं कि उसको इतना टाला कि जब तक ये चिट्ठी लिखी गई कि इसको पकड़ो, वो बंदा मध्य प्रदेश की सरहद में जा चुका था, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था वो एक आरएसएस का आदमी था, तो वो चला गया। और उन्होंने लिखा है आखिर के अंदर, एट द कैबिनेट मीटिंग देयर वाज द यूजुअल प्रोक्रेस्टिनेशन एंड मच इररिलेवेंट टॉक। कैबिनेट की मीटिंग में बेवकूफ बेकार की बातें होती रही। द फैक्ट दैट द पुलिस हैड अनअर्थ द कॉन्स्पिरेसी व्हिच वुड हैव सेट द होल प्रोविंस इन फ्लेम्स एंड दैट द ऑफिसर्स कंसर्न्ड डिजर्व्ड वार्म कमेंडेशन हार्डली सीम टू फिगर इन द डिस्कशन। यानी जहां के पुलिस अफसरों को आपने शाबाशी देनी चाहिए थी, जिन्होंने पूरे यूपी को आग में जलने से बचा दिया। आखिर वॉट अल्टीमेटली एमर्ज वॉज दैट अ लेटर शुड बी इशू टू श्री गोलवालकर पॉइंटिंग आउट that contents and nature of the evidence which had been gathered and demanding an explanation thereof, at my insistence such a letter if it was to be sent should be issued by the premier himself. यानी उन्होंने लिखा कि वो तो हुआ नहीं, लेकिन मेरे insist करने पर मैंने कहा कि chief minister साहब, उस वक्त उनको प्रधानमंत्री कहते थे, chief minister पद खुद अपने हाथ से चिट्ठी को लिखे, और उन्होंने कहा कि तुम लिख रहे हो, तो उनके अंदाज में मैंने वो चिट्ठी लिखी। यानी पुलिस को गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं दिया, सॉरी माफ करें, जो मैंने पहले बताया था, गोलवालकर को चिट्ठी लिखी कि इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, बताइए, आप मुजरिम से पूछ रहे हैं। तो वही, किसी ने कत्ल कर दिया तो उसको अरेस्ट नहीं करना है, आप पहले उसको पत्र लिख के पूछो कि आपने किया है सर। वो तो हो रहा है ना, वो तो हो रहा है, सब जगह हो रहा है। गोलवालकर हाउएवर हैड बीन टिप्ड ऑफ एंड ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड इन द एरिया। गोलवालकर को पहले ही बता दिया गया था, वो इस एरिया में नहीं था, और वो मध्य प्रदेश निकल गया। यानी इससे बड़ा बताइए, होम सेक्रेटरी ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया, वो एक बता रहा है किस तरह से गोलवालकर खुद साजिश में शामिल था। अच्छा, उसके बाद में आखिरी बात आपके पास आ रहा हूं जो मैंने रखनी है। हम में से कितने लोग जानते हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने मिलकर, अंग्रेजों के साथ मिलकर, अंग्रेज सरकार के साथ मिलकर, अंग्रेज वायसराय के साथ मिलकर, और
हिंदू रजवाड़े जो थे जिन्होंने 1857 में गद्दारी की थी, खास तौर पर जो ग्वालियर का सिंधिया राजा था उसके साथ मिलकर एक मिलिट्री कॉलेज खोला था। अच्छा, ये मिलिट्री कॉलेज वही है जहां पर सारे आरएसएस के लोगों ने ट्रेनिंग ली थी और उन पर मुकदमे भी चल रहे हैं, है ना। और वो कॉलेज किस लिए बनाया गया था, उस कॉलेज का बी एस मुंजे ने साफ कहा था कि जो गृह युद्ध होगा उसमें मुसलमानों से बदला लेने के लिए, अच्छा, हम उसमें मुसलमानों से बदला लेने के लिए इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और उसी काम को ये इन्होंने किया, आरएसएस के लोगों ने किया। और आप एक बात समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 4 साल वाला अग्निपीठ आ रहा है ना, ये अग्निपीठ का कोई अग्निपथ जो है, अग्निपथ का कोई और काम नहीं होगा, यही काम होगा। ये हथियारों की ट्रेनिंग जो आरएसएस वाले दिलाना चाहते थे ये उन नौजवानों को दिलाएंगे, और वो सोचते हैं कि इससे जो है हिंदू हथियारबंद तैयार होंगे। वो जरूरी नहीं है, वो एंटी सोशल एलिमेंट भी बन सकते हैं, कुछ और भी बन सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जानकारी नहीं होगी लेकिन जान लीजिए, रामदेव है ना जो आरएसएस का सरकारी बाबा है, एक आंख बंद करके बात करते हैं ऐसे। हाँ वो तो खैर अलग बात है, वो तो उनकी आंख जो है वो तो, हाँ नहीं, वो तो आंख में चोट लगी हुई है उनके। अच्छा, लेकिन उनका जो दिल काला है और दिमाग काला है उसकी बात करना बहुत जरूरी है। वो जो है, क्या आप यकीन करेंगे कि वो एक सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं? एक आदमी जो योगा कराता है, एक आदमी जो दवाइयां बेचता है, वो सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसी बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, उसकी स्टर्लिंग सिक्योरिटी एजेंसी। अच्छा, और उसमें आज तक ये पता नहीं दिया गया है कि उसमें कौन से हथियारों की ट्रेनिंग है, उनको हथियारों का लाइसेंस किस किस का मिला है। अच्छा, और गार्ड बनाने की ये 10 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है ये। क्या आप सोचते हैं कि गार्ड बनाने के लिए बाबा रामदेव सिक्योरिटी गार्ड बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये जो आरएसएस वाले चाहते हैं गृह युद्ध के लिए हो। और आखिरी बात, अगर आप में से कुछ साथी ये सोचते हैं, हमारे बहुजन साथी, कि आरएसएस का असली दुश्मन मुसलमान है, तो मुझे लगता है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। वो जो ले आना चाह रहे हैं मनुस्मृति, वो मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति शूद्रों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, हिंदू औरतों के खिलाफ है। उनका असली सपना जो हिंदू राष्ट्र है उसमें सबसे ज्यादा लूजर हमारी नीची जातियां होंगी, जिनको वो नीची, जिनको कहते हैं कि जिनका काम सेवा करना है, जिनका काम सेवा करना, शूद्र दलित और आदिवासी महिलाएं जी, उनका एक ही काम है कि वो निर्विकार भाव से सेवा करना। तो इसको अगर आप नहीं समझेंगे, ये हथियारबंद जो तैयार किए जा रहे हैं ये दलित आंदोलन को दबाने में, और ये दलितों को आंदोलन दबाने में कोई ऐसा नहीं होगा दलित कह के, ये दलित कारखाने में संगठन बनाएंगे, ये मजदूरों का संगठन बनाएंगे, ये छात्रों का संगठन बनाएंगे कि हमको हमारा वजीफा नहीं मिला। ये उनको दबाने के काम में आएंगे ये गुंडे, राइट, ये हथियारबंद जो है। इसमें सर मैंने आपका एक इंटरव्यू में सुना था, आपने इसकी मूल वजह भी बताई थी कि ये मुसलमानों से और ईसाइयों से आरएसएस इतनी नफरत करता क्यों है, क्योंकि ये सारे दलित स्टॉक से आते हैं। अच्छा, देखिए मेरा जो काम है मेन, मेरा हिंदू राष्ट्रवाद पर जो मेरा काम है वो ये है कि हिंदू राष्ट्रवाद जो है कहाँ कहाँ पैदा हुआ इसको समझ लीजिए जरा। महाराष्ट्र जहां सबसे बड़े दलित आंदोलन शुरू हो रहे थे, शूद्र आंदोलन, बंगाल जहां सबसे बड़ा नाम सुधारा और वो शूद्र और वो सारा आंदोलन शुरू हो रहे थे। हम क्या इसको समझ नहीं पा रहे कि हिंदुत्व की जन्मभूमि जो है वो जगह है जहां दलित रीअसर्शन हो रहा है। मतलब आप आज तक जितनी दलित महिलाओं का बलात्कार हुआ है,
मुसलमान औरतों से कहीं ज्यादा। आज तक जितने कत्लेआम दलितों के हुए हैं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, उतने कत्लेआम ईसाइयों और मुसलमानों के नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई कम है कम ज्यादा। मैं ये कह रहा हूं ईसाई और मुसलमानों के कत्लेआम भी इसलिए होते हैं क्योंकि 99% ने बराबरी हासिल करने की कोशिश की है और इसको ब्राह्मणवादी संगठन भुला नहीं सकता है। लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो जनसंहार हैं, जो मैसे कह रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े दलितों के खिलाफ है। ये जो गाय के नाम पर जो सबसे पहले हत्याएं शुरू होती हैं, झज्जर से शुरू होती है, झज्जर से, जहां 5 दलित नौजवान, उनके पास लाइसेंस है मुर्दा गाय की खाल उतारने का, उनको जलाकर मारा जाता है। उसके बाद सारे मुसलमानों का नंबर आता है, गैया माँ बाद में माँ बनती है। ये तो खैर हमारे जो लोग हैं, जो कि दलित कम्युनिटी में भी हैं, आदिवासी कम्युनिटी में भी हैं, ओबीसी कम्युनिटी में, वो खुद इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते, पता नहीं क्या है, क्योंकि मुख्य रूप से इन लोगों का जिस तरीके से हिंदुआइजकरण किया गया है, ये सारे आरएसएस के लोग आरएसएस में जाके बैठ जाते हैं। मेरे कई सारे मित्र हैं जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आरएसएस पे उनके माता पिताओं की नौकरी, सॉरी आरएसएस बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन पे उनके मदर फादर जॉब कर रहे हैं और वो आरएसएस में जाके वो करते हैं काम। तो इस ये मैं सर अगला और रिजर्वेशन पर एक दिन बात रखिए भाई, बिल्कुल रिजर्वेशन पर एक दिन बात रखिए। और ये जो साथी आरएसएस में है ना जो जाते हैं, जरा उनको मैं घटना बताना चाहता हूँ वेस्टर्न यूपी की। वेस्टर्न यूपी में जाता हूँ बातचीत करने, नौजवान लाइब्रेरियां खोली हुई है, भगत सिंह अपना खुले बाबा उस तरह की नाम से लाइब्रेरियां खोली हुई है। तो वहां एक नौजवानों का एक ग्रुप था सहारनपुर या देवबंद के आसपास कहीं, तो उन्होंने कहा कि हमारी बस्ती में आरएसएस की शाखा लगाने के लिए महाशय आने लगे हैं। गरीबों की बस्ती है, दलितों की बस्ती है, और दलितों की बस्ती किस तरह से होती है आप जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो ना साथी भाई, एक काम करो, उनसे कहो कि महाशय, और वो आ रहे थे कहीं सराफा बाजार से या सदर बाजार से, जहां बड़ी दुकानें होती है ना, वहां से आरएसएस के कार्यकर्ता थे वो। तो मैंने कहा कि उनसे कहो कि भाई आप ये हमारी बस्ती में क्यों आ रहे हो, इतनी गंद है, मक्खी है, क्या है, ना पीने का पानी है, मिट्टी उड़ती है, सारा इधर से उधर जानवर घूमते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं, हम आपकी जो सराफा बाजार की शाखा है ना उसमें आएंगे हम। आप हमारी शाखा जो है सराफा बाजार में रखिए, या आपका सिविल लाइन की जो शाखा है या सदर बाजार की जो शाखा है वहां रखिए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शाखा में आना बंद कर दिया, उन्होंने शाखा लगानी बंद कर दी। वो आरएसएस वालों को बोलिए कि तुम हमारे पास नहीं आओ, हम तुम्हारे पास आएंगे, हम तुम्हारी बस्तियों। इसीलिए मैं गौ माता को लेकर कहता हूं कि आपकी जो गौ माता हमारी जो है, जो बांझ हो रही है, नहीं कर रही है, उसको आरएसएस के दफ्तर में ले जाकर छोड़िए, आप उसको वो मत करिए, उसको बीजेपी के दफ्तर में लेकर जाइए कि हमने बहुत सेवा की, अब आप सेवा करिए। ये हम कर नहीं रहे हैं, ये हमारे समाज स्यापा कर रहे हैं। समाज को तो स्यापा कर रहे हैं, समझ में नहीं आती चीजें। ये मैंने ऑब्जर्व किया कि वो ज्यादातर ऐसी जहां पर थोड़ा उनको मजा आए, बस वो उस काम के पीछे लग जाते हैं जहां पर उनको एक्चुअल में रिजल्ट मिलने चाहिए या कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम होना चाहिए जो कि जिससे कि उनकी भलाई हो, उस पर थोड़ा वो कम ध्यान देते हैं। सर मेरा अब हमारे दलित साथी जो हैं, जो गांव में जहां गाय से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाय जैसी चीज हिंसा पर उतर आ रही है क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है, मार रही है, सब कर रही है। दलितों ने पहल करनी चाहिए कि इन गाय को लेकर एक बनाकर ये कह के हम इनको आरएसएस के दफ्तर लेकर जाएंगे, हम इनको बीजेपी के दफ्तर लेकर जाएंगे और कहेंगे कि अब आप इनका कुछ इंतजाम करिए। उनको हम गौ माता का तो असली सेवा हम करें, इनको आरएसएस के दफ्तर पहुंचा कर, उनको खुला क्यों छोड़ रहे हैं हम। सही बात है सर। मेरा अगला प्रश्न आपसे और आखिरी प्रश्न है ये पूरे कन्वेंशन का, क्योंकि बहुत लंबी हमारी कन्वेंशन हो गई है। आपने कहा कि कांग्रेस के समय में भी ये जो आरएसएस है ये इसी तरीके से फलती फूलती रही। इसी के अलावा हम देखते हैं कि जहां पर कोई अगर प्रदेश की भी राज्य सरकारें भी हैं
तो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीएसपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट हो, या फिर आरजेडी की गवर्नमेंट हो, या आप बंगाल में तृणमूल जो तृणमूल है उसकी जो गवर्नमेंट है, या फिर आप इसके अलावा जो साउथ है वहां पर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नमेंट है, वहां पर भी आरएसएस उतना ही फलफूल रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये क्यों है? और मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा शॉर्ट सारी पार्टियों में ऊंची जाति का नेतृत्व। अच्छा ठीक, सारी पार्टियों में, सारी पार्टियां अपवाद, यानी नेता सारे ब्राह्मणवादी नहीं है, लेकिन उनका ब्राह्मणवादी चरित्र है। और मुझे लगता है कि इसके लिए हमने बाबा साहब की किताब जो है पार्टीशन पर, उसके जो अंतिम उनका जो निष्कर्ष है उसको जानना चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जन्म से कोई ब्राह्मण होता है या जन्म से कोई शूद्र होता है, हम तो इसको मानते नहीं है, ये ब्राह्मणवाद मानता है। हम ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी भी क्रांतिकारी हो सकता है, लेकिन उसने अपने वर्ग को छोड़कर, उसने अपने वो जाति को छोड़कर बाहर आना होगा, है ना। बाबा साहब ने क्या कहा पार्टीशन वाली किताब में कि हिंदू गरीब, मुसलमान गरीब, सिख गरीब, ऊंची जातियों के पार्टियों के नेतृत्व के हाथों का खिलौना बन रहा है। राइट, उन्होंने ऊंची जाति के नेतृत्व से मुक्ति करनी होगी, जिस तरह के जस्टिस पार्टी का एक उदाहरण बाबा साहब देते हैं मद्रास में हुआ था। जो पार्टी जिसने सबसे पहले आरक्षण दिया था, मुसलमानों को आरक्षण दिया था, सिखों को आरक्षण दिया था, ईसाइयों को आरक्षण दिया था, दलितों को आरक्षण दिया था। अगर हम इसको नहीं भूलेंगे, अब देखिए ना, परसों अतरसों ममता दीदी ने भी आरएसएस की तारीफ कर दी। ममता दीदी ने आरएसएस की, लेकिन इसमें इसमें सर आप ये देखिएगा कि जो ममता जो है उन्होंने तारीफ कर दी एक अलग बात है, उसके पीछे कई सारे उनके राजनीतिक भी पक्ष रहे होंगे, या फिर वो खुद भी उस विचारधारा को समर्थन करती होंगी, खुद हैं भी वो ब्राह्मण है। लेकिन इस उनके समर्थन में जिस तरीके से जो बुद्धिजीवियों की जो कतार या पत्रकारों की जो कतार निकल कर आती है, ये मेरे लिए काफी मुझे ऐसा अंदर से परेशान कर देता है। रजत बहुत विरोध भी हुआ है, बहुत विरोध भी हो रहा है। और उनका असली चरित्र देखिए ना, आप एक चीज समझ लीजिए, जन चौक एक पोर्टल है, उसने परसों अदरसों बात की थी, इस पर काफी लंबी बात हुई है। आप देखिए, एक तो ब्राह्मण है या नहीं है उसे नहीं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे गैर ब्राह्मण है जो ब्राह्मणवादी राजनीति कर रहे हैं। औरंगजेब मुसलमान था, ब्राह्मण नहीं था, लेकिन मनु को जितना उसने लागू किया इस्लामी शरिया में। और देखिए ना, ब्राह्मणवाद क्या है, बाबा साहब ने कहा ब्राह्मणवाद है जो बांटने का काम करता है, लगातार बांटता है, है ना। राइट, और औरंगजेब ने भी बांटने का ही काम किया। औरंगजेब के जो सारे के सारे बड़े सरदार थे, शिवाजी से लड़ने जो जाते थे, औरंगजेब तो कभी नहीं गया, सारे उसके ठाकुर क्षत्रिय जाते थे, सारे जाते थे। लेकिन आप ममता का आप देखेंगे, ममता कैसे राजनीति में आती है, ममता राजनीति में लाई जाती है संजय गांधी के जरिए। संजय गांधी आरएसएस का सबसे प्रिय आदमी था, ठीक, वो कांग्रेसी होकर पूरा हिंदू राष्ट्र के सब मुसलमान दलितों की नसबंदी करानी है, बच्चे हमारे ज्यादा होते हैं, है ना, तो ये बच्चे हमारे ज्यादा होते हैं और नसबंदी करानी, और नसबंदी का सबसे ज्यादा असर किन का हो रहा था, किन पर हो रहा था, वो लड़े फिर लड़े, है ना, तो नसबंदी करानी है। उसके बाद वो जिस तरह से चंडी पाठ करती हैं, सब ये करती हैं, हालांकि वो मजार पर भी जाती हैं, मजार पर तो मोदी भी चादर भेजते हैं। देखिए, ऐसे हिसाब से तो मोदी जी खुद जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान को सामने नतमस्तक हो रहे थे, लेकिन किया क्या उन्होंने, संविधान को बर्बादी की। लेकिन जब नई पार्लियामेंट उन्होंने बनाई है तो उस पर सिर्फ उन्होंने ब्राह्मण को बुला के कराया है, सिर्फ ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने पूजा कराई है। उनके लिए सिख धर्म भी नहीं है, उनके लिए ईसाई इस्लाम धर्म तो छोड़ दीजिए, उनके लिए बौद्ध धर्म भी नहीं है, जिस बौद्ध धर्म की जाके वो तारीफ करते रहते हैं कि मैं बुद्ध के है, युद्ध के नहीं, मैं बुद्ध के देश है। बात यह है कि ब्राह्मण दिमाग ये है कि आज भी राजस्थान में हाई कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति है। एग्जैक्टली, मनु की मूर्ति है। तो
बात यह है कि अगर आप ब्राह्मणवादी सोच से मुक्त नहीं होंगे, और ये ब्राह्मणवादी सोच है जो आरक्षण के खिलाफ आपको खड़ा करती है, आपको जो है जो अघोषित आरक्षण है 90% संपत्ति 6% लोगों के पास है, इस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। 25-26-27% जॉब जो जॉब है ही नहीं, सैद्धांतिक तौर पर भी आपको उस पर आपत्ति होती है, कोई परमानेंट जॉब है ही नहीं, कोई परमानेंट जॉब है ही नहीं। इस पर सर हम अलग से बिल्कुल मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, और कई सारे टॉपिक आपने मुझे बताए कि इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। वीर सावरकर, सॉरी माफी चाहूंगा, वीर बोल रहा हूं मैं, सावरकर के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर हम लोग अलग से डिस्कशन रखेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर। और जो आपका जो तरीका है, जो आपका जो तरीका है विथ रेफरेंस जो आप बात करते हैं, वो मुझे काफी पर्सनली मुझे काफी पसंद आया, उससे बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल जाती है। कोई चीज हम हवा में नहीं कह रहे हैं, हमारे पास रेफरेंस है, और वो रेफरेंस हमने नहीं बनाया, वो इन्हीं की किताबों के रेफरेंस हैं। ये जर्नलिस्टिक बातचीत नहीं हो रही है, हाँ। ये वो बातचीत हो रही है जिसको 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आउट हो जाने चाहिए थे, ये जिंदा नहीं रह सकते थे पॉलिटिकली, ये आज रहते नहीं, राइट, ये रहते नहीं। ठीक, ये और ये और दूसरी बात यह है कि ये मुझे अच्छा लगता है, हालांकि कांग्रेस की जेलों में हम रहे, कि राहुल गांधी और उनकी बहन जो है, और कांग्रेस आरएसएस को दुश्मन मान रही है, उसके ब्राह्मणवाद को ले रही है, हालांकि वो भी काफी अधकचरापन करते हैं, वो तो सर देखेंगे, अभी दिखाई देगा, उस पर मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं अगले कभी किसी वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वहां पर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया, इतने डिटेल में मैं सारी चीजें बताई। मेरे तमाम बहुजन साथियों को, तमाम लोगों को, दबे कुछ लोग को, सबको मेरा